इन दिनों का प्रजनन विपत्ति का आमंत्रण। कोई समय था जब पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या 1 करोड़ से भी कम थी। सर्वत्र पेड़ों और झाड़ियों की भरमार थी। उस समय पशुपालन प्रमुख उद्योग था। दूध की नदियां बहने के बाद अक्षरशः सही होती थी। ये कार्य सरल भी था। इसके उपरांत कृषि कार्य की ओर ध्यान दिया गया। अन्न, शाक, फल उगाए गए। इसके लिए झाड़ियां काटकर जमीन निकालने और उसे समतल करने की आवश्यकता पड़ी। ये कार्य एक व्यक्ति का नहीं पूरे समुदाय का था। इसीलिए बड़े परिवार बनाने बसाने की आवश्यकता पड़ी। बहुविवाहों का प्रचलन उसी समय का है। अधिक बच्चे होना एक सौभाग्य माना जाता था, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होता था उसी अनुपात से कृषि एवं गोपालन से संबंधित बहुमुखी क्रियाकलाप इसी आधार पर सुविधा एवं सफलतापूर्वक चल पाता था। वन्य पशु खेती उजाड़ते और हिंस्र पशु गोपालन में बाधा डालते थे। इसके लिए सुरक्षा प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती थी। ये भी उन्हीं से ठीक प्रकार बन पड़ता था। समीपवर्ती गांवों में आने जाने के लिए रास्ते बनाने पड़ते थे। गर्मियों में पानी के भंडार के लिए तालाब बनाने या खोदने पड़ते थे। कच्ची मिट्टी से बने झोपड़ों की जिंदगी भी थोड़ी ही होती है। उनका निर्माण अथवा सुधार भी हर साल का काम था। इसके लिए श्रम करना ही पर्याप्त नहीं होता था, सामान भी एकत्रित करना पड़ता था। ये बहुत पुराने स्थिति का वर्णन नहीं है। इस काल को बीते 2000 वर्ष नहीं हुए होंगे जब संसार भर की आबादी 1 करोड़ थी, मात्र अकेले बंबई शहर के बराबर। इसलिए जीवन साधन जुटाने के लिए वे नफे में रहते थे जिनके परिवार बड़े थे। कपड़ा बनाना या अनाज से कपड़ा बदलना भी ऐसा ही काम था, जिसमें जनशक्ति की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ती थी। जिनसे अपनी समृद्धि की रक्षा करनी होती थी वे दस्युगण भी प्रतिकार चाहते थे। ये सभी कार्य बड़े परिवार में ठीक तरह बन पड़ते थे। इसलिए वे परिवार सुखी समृद्ध माने जाते थे जिनके सदस्यों की संख्या अधिक होती थी। इन परिस्थितियों में संतान की वृद्धि सौभाग्य एवं ईश्वरीय उपहार माना जाता हो तो आश्चर्य ही क्या। संतान उत्पादन के सहारे परिवार का बढ़ना प्रसन्नता की बात समझी जाती थी। इसके लिए मनौतियां मनाई जाती थीं और खुशियां मनाने की योजनाएं बनती थीं। ये बात बहुत पुरानी हो गई। परिस्थितियों में असाधारण परिवर्तन हो गया। अब जनसंख्या असाधारण रूप से बढ़ गई है। जमीन सभी उपजाऊ नहीं है। उसका बड़ा भाग पर्वत, उसर, जलाशय, नदियां घेरे हुए हैं। सारे प्रयत्नों के बावजूद जितनी जमीन उपजाऊ बनाई जा सकती थी बनाई गई है। रासायनिक खाद खोजकर सिंचाई का अतिरिक्त प्रबंध करने के उपरांत भी जितना कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता था उसके लिए प्राणपण से प्रयत्न कर लिया गया है। फिर भी वर्तमान आबादी का पेट भरने के लिए ये पर्याप्त नहीं होता। 1/4 आबादी को भूखों मरना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या की वृद्धि और खाद्य उत्पादन की कमी। पिछले 2000 वर्षों में सभ्यता का विकास हुआ है। विज्ञान ने सुविधा साधन बढ़ाने में मदद की है। समुन्नत जीवन का अभ्यास बढ़ा है और अन्न वस्त्र के अतिरिक्त भी अनेक वस्तुओं की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ने लगी है। जिन्हें ये नहीं मिलते या कम मिलते हैं वे खिन्न होते हैं। इस आधार पर बढ़ती हुई विषमता ईर्ष्या द्वेष के चोरी अपहरण के विग्रह खड़े करती है। शिक्षा, चिकित्सा, यातायात के साधन अब दैनिक आवश्यकता में सम्मिलित हो गए हैं। बढ़ते उद्योगों के लिए कल कारखाने लगे हैं और इन्होंने भी अच्छी जमीन घेर ली है। स्कूलों, अस्पतालों को जमीन चाहिए। इन कारणों से खाद्य उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। वन क्षेत्र पिछले दिनों जलावन तथा इमारती लकड़ी के लिए इतने अधिक कटे हैं कि अब और अधिक कटाई की तनिक भी गुंजाइश नहीं बची है। वृक्ष बादलों को खींचकर वर्षा करते हैं। मनुष्य द्वारा छोड़ी गई गंदगी की सफाई करते हैं। वर्षा के पानी से जमीन कटने से रोकते और कृषि उत्पादन बढ़ाते हैं। रहे बच्चे जंगल भी काट लिए जाएं तो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ेगा और जो जीवित हैं उन्हें भी अन्न जल के अभाव में प्राण त्यागने होंगे। ऐसी दशा में खेती के लिए जमीन बढ़ने और बढ़ी हुई आबादी का पेट भरने का
कोई उपाय नहीं देखता। पिछले 200 वर्षों में विशालकाय कल कारखाने, द्रुतगामी वाहनों का बहुत विस्तार मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की इनके द्वारा पूर्ति होने के कारण वे भी अनिवार्य हो गए हैं। बड़े शहर प्रायः नदियों और समुद्रों के किनारे बसे हैं। रेल, मोटर, जलयान, वायुयान कोयला या तेल से चलते हैं। उनके द्वारा जहरीला धुआं निकलता है, कारखानों से गंदा पानी भी निकलता है, वो नदियों से होकर समुद्र तक पहुंचता है। इसका परिणाम ये हुआ कि हवा और पानी दिनों दिन अधिक जहरीले होते जा रहे हैं। रासायनिक खादों में फसल बढ़ाने और फसल की कीड़े मारने वाली जहरीली दवाओं का प्रयोग होने से भी ये विष हवा पानी में होकर मनुष्य के शरीर में ही पहुंचता है। इस आधार पर बीमारियों की अंधाधुंध वृद्धि हो रही है। हर साल अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर रोगों में कमी होना तो दूर, उनमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। ये अभिशाप बढ़ी हुई जनसंख्या और उसकी सभ्यता के साथ साथ बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का कटुफल है। अणु अस्त्र या आणविक बिजली घर इन दिनों तेजी से बढ़े हैं। इसके फलस्वरूप मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि असाध्य रोगों की भरमार हो रही है और बच्चों में अपंगों, विक्षिप्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इनका भरण पोषण अभिभावकों के लिए भार बनता जा रहा है। द्रुतगामी वाहन खनिज तेलों या कोयले से चलते हैं। इनका भंडार पृथ्वी में सीमित मात्रा में ही संग्रहित है। कारखानों और वाहनों के लिए तेल या कोयले की खुदाई तेजी से हो रही है। जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि ये खनिज ईंधन इस गति से निकाला जाता रहा तो अगले 50 वर्ष में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तब कारखाने या वाहनों का चला सकना संभव नहीं रहेगा। इस उत्पादन के अभाव में लंबी यात्रा करना संभव नहीं रहेगा। बिजली घर भी ठप्प हो जाएगा। तब सुविधाओं का अभ्यासी मनुष्य उस गतिरोध का सामना किस प्रकार कर सकेगा, यह चिंता का विषय है। लोहा, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग भी बढ़ी हुई वैज्ञानिक सभ्यता के कारण अत्यधिक हो रहा है। ये खुदाई अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी। तब बर्तनों से लेकर हथियार बनाने तक के साधन नहीं रहेंगे। जमीन की बेतरह खुदाई उसे खोखली ही करती है। साथ ही ज्वालामुखी फटने, भूकंप आने की संभावना भी पहले की अपेक्षा कई गुणे होती जा रही है। इन पंक्तियों में उन ढेर सारी परिस्थितियों का संकेत किया गया है जो आज भी कम नहीं, कल तो इनकी संख्या और भी कई गुणे बढ़ने जा रही है। इन सब का मूलभूत कारण एक ही है, बढ़ती हुई जनसंख्या। पृथ्वी के साधनों की एक सीमा है। उनका दोहन बेतरह होता गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने असमर्थता व्यक्त करेगा और बढ़े हुए लोगों को अभावग्रस्त होकर अथवा बढ़ती गंदगी का विष पीकर अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। शिक्षा पुराने जमाने में प्रचलित नहीं थी, पर अब उसे हर नागरिक के लिए अनिवार्य बनाने की बात सोची जा रही है। इसके लिए स्कूलों की इमारतें चाहिए जो जमीन मांगती है, फिर अध्यापकों का वेतन चाहिए। सरकारें प्रयत्न करने पर भी इसकी पूर्ति नहीं कर पाती। देश को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए, शिक्षा बजट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, किंतु अशिक्षितों की संख्या कम नहीं हो पाती। जितनी शिक्षा में वृद्धि होती है उससे अधिक आबादी बढ़ जाती है, फलतः अशिक्षा की समस्या जहां की तहां बनी रहती है। इस दिशा में भविष्य में भी कोई आशा की किरण नहीं दिखती, क्योंकि 70% पुराने निरक्षरों को पढ़ाना और बढ़ती आबादी के अनुपात से नए स्कूल खोलना सरल नहीं है। इस पर इतना पैसा खर्च होगा जिसकी पूर्ति के लिए लगने वाले नए टैक्सों का भार वहन करना जनता के लिए संभव नहीं हो सकेगा। और फिर भोजन के बाद दूसरे नंबर की समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा का समाधान कैसे होता रहेगा? भूखे, बीमार और अनपढ़ लोगों की संख्या बढ़ते जाना किसी भी देश के पतन और पराभव का कारण हो सकता है। बड़ी आबादी के लिए निवास के लिए स्थान चाहिए और रोजगार धंधे भी चाहिए। भारत की 70% जनता देहातों में बसी है, अतः वहां रोजगारों के स्रोत सूखते जा रहे हैं। फलतः वहां के शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही बड़ी संख्या में शहरों की ओर भाग रहे हैं। वे सोचते हैं शहर संपन्न है, इसलिए वहां पहुंचने पर कुछ धंधा मिल जाएगा,
मिल भी जाता है, पर स्थान की कमी और बढ़ती खिचपिच से बीमारियां ही नहीं, अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां ही बढ़ती हैं। अमीरों के कोठी बंगलों को छोड़कर शहर दूसरे तीसरे दर्जे के लोगों के लिए हर दृष्टि से, विशेषतया निवास की दृष्टि से, गंदगी के घर और साक्षात नरक ही बनते जा रहे हैं। विनोबा शहरों को देश के शरीर में उगे हुए कैंसर के फोड़े कहा करते थे। वहां पहुंचने पर मनुष्य जो पाता है उसकी तुलना में गंवाता कहीं अधिक है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की दृष्टि से वो खोखला ही हो जाता है। गरीब तबके में अपने स्थान की अपेक्षा शहरों में व्यभिचार, चोरी, जुआ, शराब जैसी गंदगियां, बीमारियां इसलिए पीछे लग जाती हैं कि शहरों की चमक दमक जिस प्रकार का अमीरी वातावरण देखती हैं, वैसी ही नकल करने के लिए कुमार्ग अपनाने और उसका प्रतिफल भोगने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जाता। विज्ञ जनों का निष्कर्ष है कि घनी आबादी में रहने वाली गरीब जनता अवांछनीय वातावरण उत्पन्न करती है। न केवल शारीरिक और मानसिक रोगों की भरमार होती है, वो गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से भी हे बन जाते हैं। स्वार्थपरता, निष्ठुरता, विश्वासघात, ठगी, बेईमानी, बदमाशी की मात्रा अनायास बढ़ जाती है। वहां की परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जिनमें अगणित कुत्साएं और कुंठाएं पनपती हैं और शालीनता को अस्त व्यस्त कर देती हैं। ऐसे ऊंचे नागरिक किसी देश के लिए भारभूत ही हो सकते हैं। इन दिनों हर क्षेत्र में अनेकानेक ढंगों की चित्र विचित्र समस्याएं बढ़ी हैं। उनका हल समाधान होने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में अनेकानेक विचारणाएं और धारणाएं होती रहती हैं। उनमें से कितने ही निष्कर्षों को कार्यान्वित भी किया जाता है कि वास्तविकता यह है कि गुत्थी एक भी नहीं सुलझती, संकट एक भी नहीं टलता, क्योंकि समस्त समस्याओं का इन दिनों एक ही प्रमुख कारण है, बढ़ती हुई आबादी। गरीबों का बहुप्रजनन इस दुष्प्रवृत्ति के तात्कालिक और दूरगामी अनेकानेक दुष्परिणाम प्रस्तुत होते हैं। विभीषिकाएं जिस क्रम से उभरती हैं उनकी तुलना में सुधार के उपाय उपचार बहुत पीछे रह जाते हैं। वधुएं जल्दी जल्दी प्रजनन करने के कारण शरीर से जर्जर हो जाती हैं। जवानी की आयु पूरी तरह आने भी नहीं पाती कि उनकी काया जरा जीर्ण वृद्धाओं जैसी हो जाती है। जिस काया में से कट छट कर बच्चों के शरीर बनते हों, जिन्हें लाल रक्त सफेद दूध की तरह बालकों को पिलाना पड़ता है, इतने पर भी जो घरेलू कामों की व्यस्तता, गरीबी, तंगी एवं कलह के वातावरण में घुटती चलती हों, उनकी जिंदगी कितने दिन काम देगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रसव संकट में 100 के पीछे 13 के प्राण चले जाते हैं। नवजात बालक भी एक वर्ष के भीतर 1000 के पीछे 130 के करीब अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। जो जीवित रहते हैं वे कुपोषण पर निर्वाह करने के कारण जन्मजात रोगी होते हैं। बड़े होने पर वे जिस वातावरण में रहते हैं उसमें सुसंस्कारिता का वातावरण नहीं मिल पाता। बिल में रहने वाले चूहों की तरह वे घर के पिंजड़े में ही कैद रहते हैं। घर से बाहर निकलकर किन्हीं के साथ रहें तो वहां उन्हें कुसंग ही कुसंग हाथ लगता है। माता पिता आजीविका उपार्जन तथा घरेलू व्यवस्था में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों को शिक्षित, सद्गुणी एवं सुसंस्कारी बनाने की ओर ध्यान नहीं दे पाते। गरीबी वैसा कुछ करने भी नहीं देती। पारिवारिक चिंताओं में पिता भी घुटता रहता है। ऐसी दशा में बड़े संयुक्त परिवार तो निभेंगे ही कैसे, अपने अंश वंश का बोझ ढोना भी कठिन हो जाता है। बच्चे, उनके माता पिता, भाई बहन इस प्रजनन के अभिशाप का दंड भोगते रहते हैं। ये समय इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे पैदा किए जाएं। जिन्होंने विवाह कर लिया हो वे भी परिवार नियोजन की बात सोचें और संतानोत्पादन पर कड़ा अंकुश लगाएं। सामान्य आजीविका में मियां बीबी का गुजारा ही कठिन पड़ता है। वे ही दोनों आपस में एक दूसरे की संतान माने और सुविकसित प्रगतिशील जीवन के लिए जिन प्रयासों या साधनों की आवश्यकता है उन्हें जुटाते रहें। किसी को बच्चों की भारी उत्कंठा हो तो किसी गरीब का बच्चा पालने या पढ़ाने के लिए लिया जा सकता है।
पिंडदान मिलने या वंश चलाने जैसी पुरानी सड़ी गिली बेतुकी मान्यताओं को उठाकर एक कोने पर रख देना चाहिए। अब तक जितने लोग पैदा हो चुके हैं वे ही समस्या बने हुए हैं, फिर नया प्रजनन करके उनके मुख का ग्रास न छीने तो ही अच्छा है। परिस्थितियों को देखते हुए नए प्रजनन को समाज द्रोह की संज्ञा दी जाए तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी। भारत जैसे समस्याओं से घिरे देश में प्रजनन पर जितना अंकुश लगाया जा सके उसे उतनी ही बड़ी देशभक्ति, मानव सेवा एवं निजी परिवार की प्राण रक्षा ही कहा जा सकता है। यदि इस संबंध में उपेक्षा बरती गई तो अगली शताब्दी में लोगों को अन्न वस्त्र मिलना तो दूर, सड़कों पर चलने के लिए जगह तक न मिलेगी। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।